नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू वैकेंसी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वैकेंसी निकाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है जो ECIL हैदराबाद के अंदर ये करता है, आपके तेलंगाना के अंदर आता है ये। और ये देखिए इसका ईमेल आईडी वगैरह, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इसके अलावा ये जो है ये पब्लिक सेक्टर के अंदर एक एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ये सारे काम करता है। डायनेमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल जो इसके फॉलोइंग पोजिशन है उनके लिए उन्होंने क्या करे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उन्होंने वैकेंसी निकाली है जो 4 साल के लिए है। तो इनको रिक्वायरमेंट है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, जो ऐसा कैंडिडेट है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और जो अपने साइट पे वर्क वगैरह अच्छे से कर सके। जैसे इनकी साइट चलती है मैसूर में, कर्नाटका में, तो जो भी है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पोस्ट उन्होंने निकाली है साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट और जूनियर असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिस असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है सारी के 4 साल के लिए। मैसूर और कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका के लिए पोस्ट है। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट की 24 पोस्ट है, आपके जूनियर असिस्टेंट की 86 है और ऑफिस असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। और देखिए अपर एज मैक्सिमम आप 25 साल के हो सकते हो, बाकी ये मिनिमम 18 साल से आपको ये ले लेंगे। और इसमें देखिए 5 साल का ये आपको रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं। इसके अलावा रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। सैलरी आपके 20,802 रहेगी, 18,882 और 20,802, ये इस तरह से है। तो मैं आपको इसमें पोस्ट बता दूँ क्या क्या रहने वाली है आपकी। और देखिए इसमें आपके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगा, इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म मिलेगी और स्टिचिंग के चार्जेस, PPE, वॉशिंग एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इसके अलावा ESI, एम्प्लॉई कंपेंशन, इंश्योरेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा मिनिमम वेज में, ये एज वो वेजेस को ये बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे विल रिवाइज वंस इन 6 मंथ में, ये हर बार एक बार रिवाइज होगा, जो भी अथॉरिटी होगी वो उसको करेगी। और आगे देख लेते हैं पोस्ट की रिजर्वेशन। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में 6 जने चाहिए, इलेक्ट्रिकल के 6 बंदे चाहिए, मैकेनिकल के आपके 6 चाहिए और केमिकल के भी आपके 6 चाहिए। टोटली आपके हर डिपार्टमेंट के है, जैसे अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, लगभग सब में पोस्ट है आपके। जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल फिटर और केमिकल प्लांट ऑपरेटर, 18, 30, 20, 18 पोस्ट है। ये देखिए अनरिजर्व्ड और किर सबकी पोस्ट लगभग अच्छी पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट की 1 ही पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड के लिए। ऐसा करके टोटली आपकी पोस्ट की डिटेल हो गई। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैं आपको बताया था। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इनको। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इसके अलावा ये अपने मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट से, स्टेट बोर्ड से टेक्निकल एजुकेशन में ये इन्होंने ये डिप्लोमा ले रखा हो। अगला है केमिकल डिसिप्लिन में, केमिकल वाले ने क्या कर रखा हो, फर्स्ट क्लास की BSc डिग्री हो और वो केमिस्ट्री के अंदर हो, जो इंस्टीट्यूट या रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और 12th पास हो, वो MPC और PCM उसका बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, उसको ये लेंगे। इसके अलावा या उसने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो SSC के बाद में और 2 साल का कोई कर रखा हो, और डिप्लोमा कोर्स उसके फुल टाइम होना चाहिए और उसके साथ में HSC 12th होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास वोकेशनल कोर्स इनको मंगाए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होते हैं वो केमिकल डिसिप्लिन में इनको करा हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए चाहिए भी मिनिमम, इनको जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो चाहिए, जैसे सर्वाइवरी लेवल का चीज, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सब स्टेशन लाइक इन पे क्या इनको काम करना रहेगा, तो इनका थोड़ा एक्सपीरियंस इनको हो कैंडिडेट को। इसके अलावा जैसे स्काडा, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ड्राइव, PLC, स्काडा, इन सब की इनको थोड़ी सी नॉलेज हो और 6.6 और 11 kV DG सेट्स की भी थोड़ी इनको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख लेते हैं अपन जूनियर असिस्टेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वही क्वालिफिकेशन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और फिटर, ये आपके 10th पास होने चाहिए ITI से और इनको 2 साल की जो ITI होती है इनको और ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, ये इनकी योग्यता हो ITI पास वालों के लिए है। और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 60% इन्होंने 10वीं में पास करे 12th के अंदर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनके सब्जेक्ट रहे, मतलब 12th साइंस वाले इसमें जा सकते हैं, वो भी मैथमेटिक्स हो, बायो वाले नहीं, या
ये 60% साइंस मैथमेटिक्स से किसी ट्रेड में सर्टिफिकेट पास हो, 1 साल का ड्यूरेशन और केमिकल प्लांट ऑपरेशन के अंदर इन्होंने काम कर रखा हो, या ये आईटीआई पास हो और एओसीपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या एनसीबीटी इन केमिकल प्लांट ऑपरेशन का इनको थोड़ा सा नॉलेज हो। तो ये तीनों कंडीशन है केमिकल ऑपरेटर के लिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अंदर, जैसे सब स्टेशन, यूपीएस, बैटरी, डीजीसेट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस क्या होती है। इसके अलावा उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको थोड़े से एक्सपीरियंस है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगला ऑफिस असिस्टेंट है जो बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह में डिग्री वगैरह ले रखा और उसका थोड़ा सा ऑफिस वगैरह की नॉलेज हो, और सिक्योरिटी रेगुलेशन और मैन पावर एंट्री, वर्क प्लेस पे क्या चीज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान हो। सिलेक्शन मेथड देख लेते हैं अभी अपन। तो सिलेक्शन मेथड है कि भाई आपका बेसिस ऑफ इसमें आपके मेरिट बनेगी कैंडिडेट की, और आपके एक रिटन टेस्ट होगा और आपके ट्रेड का भी टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट आपके 40% और 60% के हिसाब से होगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड कंसल्टिंग स्कोर ऑफ बोथ रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, दोनों टेस्ट होंगे। ट्रेड मतलब आप आई टी में इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, रिटन टेस्ट में आपको जैसे जाओगे तो आपको क्या ले जाना, आई डी प्रूफ ले जाना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक आई डी प्रूफ आप ले जा सकते हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो रखा हो। इसके अलावा कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपनी खुद की पेन पेंसिल आए और राइटिंग पैड और ब्लैंक और रिटन टेस्ट के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। और कैंडिडेट क्या करे, शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन टेस्ट में, उनको ही कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है, रिटर्न। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस और वेरिफिकेशन उसके बाद में होगा तो बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें होगी, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या होगा, जो जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे ट्रेड टेस्ट के लिए जो जाएंगे उनके लिए फर्स्ट टाइम पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर जो सर्टिफिकेट वगैरह उनको जो मिले हुए हैं वो उनको ओरिजिनल साथ में ले जाने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जानी पड़ेगी उनको एक सेट बना के। इसके अलावा 10वीं का आपको चाहिए सर्टिफिकेट, वो आपके 10th का जो डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और क्वालिफिकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सर्विस सर्टिफिकेट या आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके अलावा एनएससी, एनसीटी, एनसीबीटी का एक सर्टिफिकेट उनके पास कोई हो तो वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एज रिलेक्शन है तो जम्मू एंड कश्मीर रिलेवेंट का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देख लीजिए काम की बात है आपके ये, कि डेट एंड टाइम जो ट्रेड टेस्ट के लिए उन्होंने कम्युनिकेट किया, रिटर्न टेस्ट वेन्यू बाय डिस्प्लेइंग द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो उसमें से होंगे, उनको नेसेसरी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आगे जो भी कॉल उनको एलिजिबल को कॉल किया जाएगा, और उनको ट्रेड टेस्ट के लिए सेम डे या नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन जब रिटर्न टेस्ट देने जाओगे तो उसी दिन करवा देंगे ट्रेड टेस्ट, और हाथों हाथ वो बता देंगे मेरिट वगैरह भी क्यों कौन कौन हुआ इसमें, और जो होगा तो उसी दिन करा देंगे, नहीं तो दूसरे दिन आपको वहाँ रुकना पड़ेगा और फिर अगले दिन हो जाएगा आपको। अटेंड कैसे करना है आपको, तो एलिजिबल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट है ECIEL की, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए अपन न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ये इधर ओपन हो रही है, तब तक हम देखते हैं कि उनको क्या करना है, 10 बजे रिपोर्ट करनी है जो भी वेन्यू दिया जाएगा। तो सारे सर्टिफिकेट और उनकी वो अपने आपने रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ और इसके अलावा आप सारी चीज़ें वहाँ पे लेके जाए, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी फोटो के अंदर, नहीं तो मान्य नहीं होगा, रेड वेड कुछ नहीं चलना है ना, वाइट होना है। और एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगेंगे, तो अकॉर्डिंग आउट स्टेशन यू में रिक्वायर मेक देयर ओन अरेंजमेंट, तो आपको अपना मैसूर में 2-3 दिन का अरेंजमेंट करके जाना है यहाँ से, तो इन्हें ऐसा नहीं कि अपने एक दिन के ले गए ना, कुछ पैसे वैसे भी नहीं ले गए ना, फिर मुंह उठा के चले गए, तो ऐसे नहीं होना, अपने को तैयारी करके जानी 2-3 दिन के हिसाब से, और जॉब अच्छी है आपको जाना चाहिए। अब देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट, 17/4/2021 सिलेक्शन डेट और इसकी 18/4/2021, तो 17 तारीख ये आने वाली है, अभी देखो 8-10 दिन ही बाकी है। तो वॉक इन इंटरव्यू है आपको, वॉक इन वेन्यू के लिए देखो मैसूर भी घूमना हो जाएगा और आपके लिए जॉब भी हो जाएगी। पता बताता हूँ, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, RMP, येलवाल कॉलोनी, हंसूर रोड, येलवाल पोस्ट, मैसूर के अंदर आपको जाना है। आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट के अंदर या वेरिफिकेशन इसके लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, आपको खुद के खर्चे में जाना है, इस बात का ध्यान रखे। रिजर्वेशन कैंडिडेट जो भी है ये इनके दिए गए, फर्स्ट क्लास रिलेक्टेड टू एंड सेकंड क्लास 50 मार्क्स इन एग्रीगेट, SC ST कैंडिडेट ये मार्क वगैरह में थोड़ा रिलैक्सेशन और 50% के हिसाब से, एज रिलेक्शन 5 साल का है SC ST वालों के लिए, तो ये सारी बातें हैं।
और ये देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है, मैं आपको बता दूं यहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कैरियर में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इधर लिंक चल रहा है तो लिंक में भी आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब आगे देख लेते हैं आप इसको। आगे अपन नेक्स्ट देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा आपको यहाँ वेबसाइट से आप डाउनलोड कर ही लेंगे। अब आगे देख लेते हैं जनरल कंडीशन जो होगी वही कि उनको टाइम पे जाना है, जनरली राउंड ऑफ क्लॉक ऑपरेशन वगैरह करेंगे, ये इनके बेसिक वो है, बेसिक फंडामेंटल है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें आपके CGPA परसेंटेज वगैरह, PW कैंडिडेट्स, और ये जनरल नियम है, ऐसा कुछ खास नहीं है। यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज वगैरह हो आप, और किसी भी स्टेज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर आपकी कोई गलती पाई जाएगी तो आपको वहीं पे निकाल देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और आप अपनी सारी तैयारी वगैरह करके जाए, इसके अलावा रिजल्ट इमीडिएट आपको आ जाएगा, इसमें आपका रिजेक्शन या एप्लीकेशन होगी वो आपको बता देंगे, और कोई इलेक्ट्रॉनिक गजेट वगैरह अलाउ नहीं होगा सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, और इंडियन नेशनली सारे इसमें एलिजिबल होंगे, मतलब पूरे भारत से आप कहीं भी इसमें जा सकते हैं अगर आपको मैसूर में जॉब करनी है तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। और देखिए इस बात का ध्यान रखें कि कॉरिंगडम एक्सटेंशन अगर डेट वगैरह बढ़ती है या कुछ होता है तो ये वेबसाइट है, इस पर जाके कैरियर कॉलम में आपको विजिट करना है रेगुलरली, और वहां से आपको चीजें देखनी है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, क्वेश्चन फॉर ऑल के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट अप्रोच आप जो कर रहे हैं, इंश्योरिंग पॉलिसी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ECLI थ्रू इलीगल नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप इस बात का आप ध्यान रखें। एश्योरेंस रहे कि आपको एक्सप्लोइटेशन या एंटरटेन इनकरेज करने के लिए कोई एलिमेंट आपको, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा या ऐसी कोई चीज़ें या बिना मेरिट के मैं आपको करवा दूंगा तो उसके चक्कर में नहीं पड़े, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए मैं आपको ये कैरियर वाले कॉलम में बता देता हूँ कहाँ पे जाके आपको क्या करनी है, अगर कोई चीज़ कोई अपडेट आता है तो यहाँ पे गए आप तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा जॉब ओपनिंग्स और ये रहा वॉक इन इंटरव्यू, इसके अलावा आप वॉक इन भी देख सकते हो। यहाँ पे एक मिनट ओपन हो रही है वेबसाइट, करंट जॉब यहाँ पे आई नहीं, अपन देख लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू, क्योंकि आपका ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो ये देखिए ये आपका वन वॉक इन इंटरव्यू है, ये देखिए 17/2021 वाला अभी मैंने बताया था, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके खुल रहा है। और ये देखिए ये वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है ऑफिशियली, आप यहाँ जाके भी इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। ये आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इस तरह से इसको भरना है, सारी चीज़ें करनी है और फिर आपको इस पर अप्लाई कर देना है या आपको भेज देना है, जैसा भी इसमें है इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर ले। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और बाकी इस वेबसाइट पर जाकर आप रेगुलरली अपडेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके तरीका, अगर और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, सिलेक्शन मेथड हो गया।